Nawazuddin believes in doing different roles and now he's working in Mountain Man, which is a biopic based on the life of Dashrath Manjri, who in 22 years cut a 300 meter long and 25 feet wide road through a mountain. When he was asked that how do he prepare himself for such a tough role, on it he had to say, difficult shoot tha kyunki patthar पे जो है हथौड़ा बिल्कुल रियल हथौड़ा मारा है मैंने और एक महीने तक पहाड़ तोड़ा है मैंने भी तो मुझे ये भी थैंक गॉड मुझे ये भी समझ में आ गया कि जो पत्थर है वो क्रैक कैसे होता है तो इसकी कहाँ पे चोट पहुँचानी चाहिए तो पत्थर क्रैक होता है कौन सी जगह ऐसी होनी चाहिए तो इस तरह की चीज़ें का एक्सपीरियंस हुआ ऑफकोर्स इसलिए फिजिकली भी बहुत डिफिकल्ट था और मेंटली भी बहुत डिफिकल्ट था। Nawazuddin Siddiqui gave description of the film Mountain Man, said that it is a passionate love story. ये दुनिया की सबसे passionate जुनून से भरी लव स्टोरी है और एक वन लाइन के एक आदमी अपने प्यार के लिए 22 साल तक रात दिन पहाड़ तोड़ सकता है ये एक अनहोनी सी बात है तो ये एक ऐसी अनहोनी सी बात है जिसको शायद फिल्म देख के ही समझ में आएगा कि वो कितना प्यार करता होगा अपनी वाइफ को जिसके लिए तोड़ दिया पहाड़। फॉर बॉलीवुड हेल्पलाइन शिल्पी राणा विद एडिटर जर्नलिस्ट जैनिश मारू।